शुक्रिया। अब अनुरोध कर रही हूँ भ्राता मृत्युंजय भाई से कि मंच पर आकर के आदरणीय भ्राता धर्मवीर सिंह एमपी लोकसभा भिवानी का सम्मान करें, क्योंकि आपकी अभी ट्रेन है हमारे बीच से प्रस्थान कर रहे हैं। आप उनका अभिवादन कर रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी का भी भ्राता मृत्युंजय भाई सम्मान कर रहे हैं। समय दौड़ता जा रहा है और विषय बहुत सुंदर है, दो पांव के बीच गजब की दोस्ती है। एक आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे हो जाता है। अगर ये दोस्ती मनुष्य सीख ले तो परिवार, समाज और देश से सर्व समस्याओं का समाधान हो जाए और मूल्यनिष्ठ समाज स्थापित हो जाए। अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी आशा बहन जी से, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेशन विंग की चेयरपर्सन है और डायरेक्टर हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर ओआरसी गुड़गांव। अपने सुंदर विचार इस पर रखने के साथ साथ हमें उस मेडिटेशन का भी अनुभव कराएंगी आदरणीय आशा बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आज का सम्माननीय मंच हमारे अति विशिष्ट अतिथि भाई बहने और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी हम लोग सब सुन रहे थे, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर्स गवर्नेंस, और उसमें लीडर्स किस प्रकार के होने चाहिए। मैं आपका ध्यान बैठे बैठे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो फाउंडेशन में शिक्षा हम आत्माओं को मिलती है और जिस के आधार से आज ये सारा विश्वविद्यालय 137 देशों में दैवी संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति को पहुंचा पाया है, वो कुछ विशेष बातें हैं जिनको प्रिंसिपल्स के रूप से अधिक विस्तार न करते मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली बात जो कि हमारे फाउंडर ने, जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा नाम से जानते हैं,
परमात्मा पिता ने उनके माध्यम से एक बात सिखलाई कि सदा याद रखो, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करेंगे। हम सब अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, हमें देखने वाली दो चार आंखें नहीं परंतु संसार देखता है। आपके कर्मों का प्रभाव, वाणी का प्रभाव, आपके वाइब्रेशंस का प्रभाव जो आपके मन से जनित होते हैं, सारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये एक वह प्रिंसिपल है जिस आधार से आज 4,500 सेवा केंद्रों का संचालन और निर्देशन माउंट आबू से बिना किसी प्रकार के प्रेशर के आराम से चल रहा है। दूसरा प्रिंसिपल जो अपने फाउंडर ने सिखाया वो है कि आप दूसरों को भी आप समान बनाओ। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स डू नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। आप लीडर हैं और यदि सच में लीडर हैं, उत्तरोत्तर प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको अपने समान किसी को बनाना होगा जो आपकी उस पोजीशन को चला सके और आप आगे फॉरवर्ड जा सकें। वे लोग जो पावर को अपने हाथ में लेकर के केवल बैठ जाते हैं और अलाउ नहीं करते किसी और को, वे कदापि प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप समान बनाओ। तीसरी चीज जो हमने यहां सीखी है और वह प्रिंसिपल है, ऑलवेज रिमेंबर दोज होम यू सर्व, दोज होम यू लीड, जिनको आप लीड करते हैं, दे आर नॉट अंडर यू, दे आर विद यू। आपके अंडर नहीं है, आपके साथी, आपके साथ चलने वाले, आप भी उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो निर्माणता का, ह्यूमिलिटी का ये संस्कार जागृत होता है। एक लीडर सदा हम्बल ह्यूमिलिटी वाला रहता है और ह्यूमिलिटी से वो लोगों के दिलों को जीतता है। सिकंदर विश्व विजेता इसीलिए नहीं बन पाए, दिलों को कहाँ जीता। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सीखते हैं कि आप अपने कर्मों से, अपने जीवन से, अपनी सेवा से लोगों के दिलों को जीतो। दिमाग को जीतना सरल, दिलों को जीतो। वो समय था जब राजा को सब कोई मानते थे। क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं? ये विद्यास। इसलिए दिलों को जीतने की बात हमने यहां सीखी। चौथी बात, आपकी ड्यूटी, ड्यूटी शब्द को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं। ड्यूटी माना प्रोफेशनली अपना काम किया और समाप्त। लेकिन हमसे लोग पूछते हैं, क्या कारण है आपके यहाँ पर सेवा भाव इतना है? उसका कारण यही है कि हम ड्यूटी नहीं परंतु स्पिरिट ऑफ सर्विस यहाँ पर क्रिएट की जाती है। सेवा की शक्ति कहो, सेवा की प्रवृत्ति कहो, वो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, ड्यूटी नहीं। साथ ही साथ
अपने सामान्य जीवन में रहते हुए अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें। एक अच्छा लीडर बैलेंस रखता है लव एंड लॉ का, ह्यूमिलिटी अथॉरिटी का, डिटर्मिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी का, कर्म और योग का। हम कहते तो हैं कर्म योगी हैं, वर्क इज वर्शिप, परंतु लेट अस आस्क आवर्स, इज वर्क रियली अ वर्शिप और हैज इट बिकम अ वॉरशिप? क्या कहेंगे? तो वर्क को वर्शिप बनाने के लिए कर्म योग का सिद्धांत हमें यहां पर सिखाया जाता है। निमित्त भाव जिसका वर्णन हुआ, और एक चीज जो भी ट्रेजर्स हैं, पहले भी कहा गया लुक इनसाइड, लुक विद इन, आपके अंदर इमेंस ट्रेजर्स हैं, इमेंस गुण हैं, लेकिन उन गुणों को निकालना, उजागर करना और साथ ही साथ एक अच्छे लीडर की निशानी है न केवल अपने गुण परंतु दूसरों के गुणों को भी वह सम्मान देते हुए उनका उपयोग करते उसको बढ़ावा देता है। और ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम सीखते हैं। हमारी बहनें कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे लोग कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड डिग्री होल्डर्स नहीं है, परंतु गुणवान। और ये चीज जो है अप्रिसिएशन, जो हमने यहाँ पर सीखा है कि हर एक को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करने से उसकी अंतर आत्मा जागती है। कहते हैं डोंट फायर पीपल बट फायर देयर ज़ील एंड एंथुसियाज्म। अगर उनके अंदर की उस चीज को, ऊर्जा को आप जगाएंगे तो वो वंडर्स करेंगे। ये चीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो है जैसा है उसको कदापि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में रिजेक्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्ट किया जाता है। और हमें सिखाया गया कि इस एक्सेप्टेंस से, कहा जाता है कब खोटा पैसा भी काम करता है। और सच्चाई की बात है, जिसको दुनिया ने रिजेक्ट किया, महिला जगत को रिजेक्ट किया गया था, ये किसी काम की नहीं है, लेकिन परमात्मा पिता ने महिलाओं को ही माध्यम बनाया संसार को स्वर्णिम संसार बनाने के लिए। ये इस ईश्वर विश्वविद्यालय की विशेषता है। जो सारी कार्यशैली है वो बहनों और माताओं के द्वारा है, मुबारक के पात्र हैं। और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी चीज कि स्व पर अटेंशन दो। एक उंगली उधर जाती है, चार उंगली आपके तरफ रहती है। आप स्वयं पर अटेंशन दीजिए। स्वयं पर ध्यान देने से आप अपनी आत्मा को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, पावन, गुणवान बनाएंगे। और ऐसा ही संसार तो हम सब चाहते हैं। तो आइए चंद क्षण अपने अंदर निहित जो ब्यूटीफुल आपकी रूह है, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, शरीर के अंदर विद्यमान शक्ति है जो भ्रकुटी के मध्य में निवास करती है। चंद क्षण आंखें बंद कर लीजिए और अपनी उस ब्यूटीफुल ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा को विजुअलाइज करें, अनुभव करें। मैं एक अति सूक्ष्म
चैतन्य ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा अति शांत अति पवित्र अति शक्तिशाली शांति पवित्रता मेरा स्वधर्म है। अनुभव करें अति पवित्र अति शांत स्वरूप बहुत सुंदर गवर्नेंस के लिए किन किन वैल्यूज को हम अपने जीवन में धारण करें और कैसे लीडर्स तैयार होते हैं इस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जो इस विद्यालय के फाउंडर फादर पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं उन्होंने ये सभी लीडर्स जो मैं समझती हूँ जो 4,500 सेवा केंद्र है और उन सब का संचालन बहने कर रही है तो 60,000 लीडर्स तैयार किए हैं जिनमें वो क्वालिटीज हैं वैल्यूज हैं वैल्यूज शेयर्स वैल्यूज डेवलप और अब अनुरोध कर रही हूँ प्रोफेसर सुनैना सिंह वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार से अनुरोध करती हूँ अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष रखें। राजयोगिनी आशा बहन जी राजयोगी ब्रिज मोहन जी द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डेज भाइयों और बहनों नमस्कार। यू नो आई फर्मली बिलीव व्हेन वी लुक एट अ सब्जेक्ट लाइक लीडर्स फॉर वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस व्हाट बेटर एग्जांपल देन भारत itself. The knowledge tradition has been part of India, you know, for centuries, for
more than a millennia. You know, we have walked through the long corridors of knowledge through history over 10,000 years, and I firmly believe that we continue to be Vishwaguru. Because if we look at the world around, they still look at India as the solution center. You know, peace has been an eternal characteristic, virtue of India that we have been teaching to the world, you know. Lokah samast sukhino bhavantu, said Yajurved. And that's something that we carry forward as a distinct characteristic of India. This morning I was listening to our former Chief Justice Gogoi ji, and he made a reference to Bhagavat Purana. I think usi sandarbh mein main usko aage le jate hue kahungi. You know, if we look at the very concept of dharma, because when we talk about value-based leadership, we are talking about dharyate iti dharma. You know, we have to be righteous and be concerned about the people around, the kind of seva bhav that I find in Brahma Kumaris. This is a sadhana, you know, and I think sadhana has been part of Indian ethos and culture for a very long time. But if we go back to Bhagavat Purana, written about nearly 10,000 years ago, which talks about the Kaliyuga and the three broken legs of dharma. And what are those broken legs? The you know, dharma has, it's comes in a form of a bull, and you have three broken legs of dharma. And what are these? You know, these are the legs. One of it is austerity, which is simplicity, in other words, which is tapasya. We look at the Hindi translation, sanyam, jisko hum kehte hain. Aaj hum kho chuke hain. You know, in Kalyug, it said that we have lost the three legs. The first one being austerity, the second one being cleanliness, swachhata, jiski hum baat karte hain. You know, swachhata is not just a concept. It's about the mind and heart. It's about your entire personality and what we can do for the environment. You know, if we look at our own Veda, Athar Veda has 63 sukt on environment, highly relevant for today's concerns of climate. You know, we had it centuries, you know, millennia ago. The same thing, you know, Kaliyuga, Bhagavatam says that we have lost the very concept of swachhata. That leg is also gone. The third leg that we have lost is of compassion, karuna. You know, karuna shayad nahi hai. But, you know, Bhagavat Puran also says there's one leg which is intact, and that's the leg of satya, truth. You know, I firmly believe if you have truth, if you have honesty, you can reclaim the other three legs. You know, you can reclaim all the virtues which is claimed to be lost. Because we still look at India, Bharat, as a land of knowledge. You know, today I am engaged, I'm privileged to be engaged, a rebuilding of Nalanda. Because Vishwaguru, jab hum kehte hain, to I firmly believe we still are Vishwaguru in many, many ways. Because there's so many traditions, so many values and virtues that the world is trying to imbibe from India. I think we need to keep that as a value system that will inspire the younger generation. Leaders must create more leaders. We have to inspire our younger generation.
you know, to be solution oriented, to find new ways of looking at the world, craft a new world that is based on value system. I think it's very important that we look at our own. Vishnu Puran speaks about, you know, sa vidya ya vimuktaye, you know, knowledge is that which liberates an individual. It liberates you from the trappings of ego, trappings of violence, trappings of evil. You know, therefore it is very important that we imbibe that knowledge within the persona and also inspire others so that there is atmanavidhi that Gita speaks about and Krishna speaks about somewhere about having yogastha buddhi. You know, it's that buddhi which has liberated itself, which knows how to be value based in many, many ways, how to have a culture of synthesis. Because when we look at the very concept of peace, it's about equilibrium, maintaining balance, you know, synthesis, synergize everything. So it's very important that we create new generation which believes in the Indian value systems, because it is these values. And I also, as an academic, I firmly believe that India, Bharat, was also Vishwa Guru because it taught respect as a discipline, you know, because we have learned from our parents, from our gurus, how to respect our elders. We still offer a chair to our elders. We bow down to elders. I think this needs to be taught as a discipline, and it needs to be continued, because that's the value system of India. We seem to be losing that. So what the Bhagavad Purana said, can we now reverse it and say that this is the end, since we have realized that the long journey of knowledge, we may have lost certain values because of the invasions that have sort of corroded the Indian identity over the centuries. You know, yet we have retained, I firmly believe, the goodness within us, the virtue of peace. We look at Brahma Kumaris, I think they are an example of Seva Dharma. You know, how we are able to keep up the tradition of looking after others, how to educate others through a living example. I think these are some of the things that I want, insights that I wanted to share this evening with you. I must thank Brahma Kumaris for giving me this opportunity. Thank you very much. Anurodh kar rahi hoon, Bhrata Sujit Kumar ji, MP Rajya Sabha, hamare beech se prasthan kar rahe hain. Adarniye भ्राता ब्रजमोहन भाई साहब आपका सम्मान कर रहे हैं, तो कृपया सन्मुख पधारें. और इसके साथ ही अनुरोध कर रहे हूँ पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शौंटे, प्रेसिडेंट शहीद भगत सिंह सेवा दल से आज के सुंदर विषय पर अपनी अनुभवी विचार, अपनी शुभ भावनाएं हमारे समक्ष रखें, और उसके पश्चात आप आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब का और मृत्युंजय भाई का शॉल पहना करके सम्मान भी करेंगे. पद्मश्री भ्राता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी. विश्व की शांति के लिए ग्लोबल समिट 2022 में आए हुए माउंट आबू की धरती पर देश से
विदेशों से आए हुए बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मंच पर बैठे हुए बहुत ही अति विशिष्ट अतिथिगण एवं इस संस्था के वो ऑर्गेनाइजर्स जिनकी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि बहुत ही बड़ी बड़ी विभूतियां राजनीतिक इस मंच से आपको अपने जीवन का ज्ञान देके गए, राजनीतिक भी, सामाजिक भी और धार्मिक भी। और इसी मंच पर डॉक्टर्स, मीडिया और कुछ सामाजिक लोगों को भी समय दिया गया। सुधांशु जी जैसे बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता जिस मंच पे बैठे हों, मुझे लगता है कि आप बहुत ही खुश नसीब है जिन्होंने सुना। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को जिसका काम उस डिग्री का था जिसको को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, वो था कोविड के उस भयानक समय में उन लाशों का दाह संस्कार करना जिनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। ये काम हम पिछले 25 साल से कर रहे थे, कभी सोचा नहीं था कि देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आएगी। जरा याद कीजिए पिछले 2.5 साल जब आपस में हम शक्ल देखने को मोहताज थे, किसी को आवाज से और किसी को आंखों से पहचानते थे। और उस समय को याद कीजिए जब वो भयानक समय आया तो सबके टेलीफोन बंद हो गए, समाज के लिए कोई आगे आने को उस समय तैयार नहीं हो रहा था जब लोगों की लाशें घरों के अंदर पड़ी हुई थी। वो शक्ति ईश्वर ने दी, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने कि ध्यान लगा के काम करो तो ईश्वर खुद आता है, लेकिन शक्ति ईश्वर देता है। वो शहीद भगत सिंह सेवा दल को शक्ति मिली और 4,200 से ज्यादा जो डेड बॉडी को क्रिमेट करने का ईश्वर ने मौका दिया वो हमारी शक्ति नहीं थी। मेरे वो ड्राइवर्स जो शहीद भी हो गए लेकिन पीछे नहीं हटे, मेरे वो शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरे खुद के बेटे, मेरा बेटा एक लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट का, वो डेड बॉडीज उठा रहा था मेरे साथ, ज्योतजीत सिंह, मेरी धर्म पत्नी रोटियां बांध के हमको शमशान पे भेजती थी और 22 दिन वो भूलता नहीं अपने जीवन के। छोटे छोटे बच्चे अपने पिता की लाश लेके आते थे या माँ की लेके आते थे, उनको नहीं पता होता था शमशान क्या होता है, क्रिमेशन क्या होता है। लेकिन वो देखने का समय आया कि करोड़पति हो चाहे साइकिल वाला हो, घर के अंदर बैठा था और रोटी नीचे से ऐसे जाती थी दरवाजे के नीचे से जैसे जानवर को दी जाती है। उस समय इंसान को अकल आनी चाहिए थी, ईश्वर को मानना पड़ा लोगों को। और जो वक्त फिल्म का गीत था उसका वो अंतरा बार बार याद आता है मुझे कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही बदला कि हमारे को हमारी औकात दिखाई गई। मुझे वो दिन नहीं भूलता है 21 अप्रैल का जब ब्रह्म कुमारी की हमारी एक बहन सुनीता जी जो कृष्णा नगर से सेवा करते करते और टीचर बनकर सूर्य नगर विवेक विहार के पास सेवा कर रही थी, कोविड में भी घरों में जाके लोगों को वो ट्रीटमेंट दे रहे थे, मेडिटेशन दे रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बच पाए उस छोटी सी उम्र में। और उनको उस समय वहां पर जलाने के लिए कोई एम्बुलेंस भेजने को तैयार नहीं था और ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, उनका दाह संस्कार भी मैंने अपने हाथों से किया। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। और मेरे लिए वो 26 अप्रैल का दिन नहीं भूलेगा कि रात के 2:30 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है, एक ऐसी शख्सियत थी जिसने मुझे फोन किया और क्या कहा उन्होंने एक लफ्ज के अंदर कि शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, आप इसी प्रकार सेवा करते रहिए, ईश्वर आपको और शक्ति दे, जय हिंद। और वो व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। अगले दिन मुझे फोन आया उपराष्ट्रपति जी की, वेंकैया नायडू जी का,
जिन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में मुझे कहा कि शंटी जी, आपने गुरु गोविंद सिंह जी की उस कहानी को सत्य कर दिया कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आपने सिख कौम का नाम रोशन किया। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि एक छोटा सा सेवा करने के माध्यम से, जो मैंने काम शुरू किया था 27 साल पहले, कि रात के 11 बजे मुझे एक मंत्री जी फोन करते हैं, हर्षवर्धन जी, शंटी जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी सो रहा हूँ, 25 जनवरी। कहते आप टेलीविज़न लगाइए, आपका नाम टीवी पे चल रहा है, राष्ट्रपति जी ने आपका पद्मश्री घोषित कर दिया है। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वरीय शक्ति है। आप भी जो ध्यान से काम करें, काम को छोटा मत समझे कभी, मेहनत से करें, लगन से करें। आप जिस संस्था के माध्यम से यहाँ आए हैं, पूरी दुनिया में मैं तो यही कहूँगा कि पता नहीं कहाँ कहाँ नाम है, लेकिन दिल्ली में मैं देखता हूँ कि आज कोने कोने में इस शक्ति का प्रसारण हो रहा है। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुला के यहाँ पर सम्मान दिया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आई हुई सारी संगत का, मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, मंच पर आए हुए अतिथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूँगा कि आप यहाँ से जब जाएँ तो अपने क्षेत्र में इस सद्भावना का संदेश लेके जाएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। और अब भ्राता जी आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब, आशाबेन जी और मृत्युंजय भाई को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कर रहे हैं। इसके साथ ही आमंत्रित कर रही हूँ सलोनी ग्रुप ऑफ कोल्हापुर महाराष्ट्र, विष्णु वंदना और कृष्ण वंदना हमारे समक्ष प्रस्तुत करनी जा रही हैं। तालियों से इन बालिकाओं का अभिनंदन कीजिए। Yeah.
वसुतं देवं कूस जानो रमर्दनम् देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेव सुतं देवं कौस चाणो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकम् करतले वेणः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सुतं देवं कौसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं बहुत सुंदर। अनुरोध करती हूँ भ्राता महेंद्र संगोई जी, मैनेजिंग ट्रस्टी अहिंसा धाम मुंबई, अपने शुभ विचार हम सभी के समक्ष वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस पर प्रस्तुत कीजिए।
समग्र सृष्टि पर जिसकी दृष्टि है वैसे शिव बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जानकी दीदी और सभी ब्रह्मचारी साधक भाइयों बहनों और मंच पर विराजमान लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारी, सांसद और ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ अधिकारी भाइयों बहनों, मैं 8 से 10 साल से संस्था का परिचय में हूँ। मैं संस्था की बात करूँगा और पर्यावरण के ऊपर, जीव दया के ऊपर, अहिंसा के ऊपर बात करूँगा, दो बातें रखता हूँ। मुंद्रा एक कच्छ मुंद्रा गुजरात के अंदर आया हुआ है, बहुत छोटा, 32 साल से यहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर चलता है और मेरा परिचय सुशीला दीदी से 8-10 साल से हुआ। और जब मैं नजीक से जाना और मेरी एक संस्था कच्छ में 600 एकड़ में अहिंसा धाम बनी हो तो दोनों नजीक है, तो उस विषय से मेरा बहुत कच्छ में रहना होता है, तो मैं जाना, तो मैं ब्रह्मा कुमारी की यहाँ एक बात करूँगा। यहाँ पे डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट बैठे थे और 2 दिन से सब मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ, और जितने ब्रह्मा कुमारी के दीदियाँ हैं वो क्या काम करते हैं। तो जब उनसे मैं समझा तो एक मुंद्रा को कोई जानता नहीं था 32 साल पहले, और आज विश्व के अंदर कोई ऐसा सिटी और स्टेट नहीं होगा कि मुंद्रा को न जानता हो, क्योंकि अदानी पोर्ट आ गया और बहुत सारा विकसने लगा। और उसमें क्या होता है, जब मुंद्रा के अंदर अलग अलग प्रांत से, आसाम से लोग आते और अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते, कुछ समझ नहीं पाते हैं, और उसके वजह से वो आदमी नया एरिया में, एक गांव के विलेज में आता है, बिजनेस पैसे के लिए आता है, सब घर बार छोड़ के आता है, तो उनके पास कोई पहचान नहीं रहती है। जब ऐसे सेंटर में जब मिलते हैं तो उनको लगता है कि मेरा कोई है, और अगर जो न होता ये सेंटर हो ऐसे, जो भारत में अभी सबने बताया कि 4,500 भारत में है, पूरे विश्व में 9,000 सेंटर है, तो अगर ऐसे सेंटर न होते तो मैं एक बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हजारों लोग आत्महत्या कर लेते। और वो डिप्रेशन से बचने वाली जो संस्था ये दीदियाँ काम करती है वो अविस्मरणीय है, और उसको आप शांति से और नजीक से देखेंगे तो मुझे, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर सेंटर में एक जन तो वो ऐसे विचारों से निकलता होगा महीने में, तो लाखों, 9,000 सेंटर में पकड़ेंगे तो साल का 1,00,000 लोग हो गया। तो ऐसा ये काम संस्था कर रही है, उसके लिए मैं संस्था का अभिवादन करता हूँ। और मैं 2 महीना, मेरे को 40 साल सेवा में हो गया। पहला मैं जैन धर्म से हूँ तो जैनों की मंदिरों वगैरह बनाया, फिर हॉस्पिटल और मानव सेवा का काम किया, लेकिन फिर एक मूक प्राणी की सेवा में लगा। लेकिन अब यहाँ पे आया और देखा, मैं एक प्रवास में था राजस्थान के, और चंद्रेश भाई ने मेरे को यहाँ लेके आया और मैं 1 दिन रहना चाहता था, 2.5 दिन रहा, और सारे जितने सेंटर के अलग अलग बड़े लोग थे उनसे सब मिलने गया, और सीए साहब से मैं मिला, 20 मिनट बैठा, तो इतने बड़े लोग से कोई अपॉइंटमेंट के बिना मेरे को लेके जाते थे, बैठता था तो शांति से बात करते थे, समझते थे और हमारी बात को एक वो मिलता था, कि नहीं तो किधर भी जाओ तो बहुत इतने बड़े लोगों का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिस्टम समझना पड़ता है, टाइम मिलता है नहीं मिलता है, स्वस्थ नहीं रहते, बातों नहीं सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। तो ब्रह्मा कुमारी का जो भारतवर्ष के लिए राष्ट्र का जो सेवा करते हैं, मानव सेवा इनसे होती है, वो अवर्णनीय है। और इतने 10-10 हज़ार ऐसे ब्रह्मचारी यंग, उनका घर बार और छोड़ के सब इंजीनियर लोग हैं, ऐसे लोगों से मिला मैं, उनकी जो व्यवस्था है, सफाई है, सादगी है, द बेस्ट है। तो ऐसे लोगों से पूरा विश्व अगर जुड़ेगा तो जल्दी से शांति भारत देश में और विश्व में जो अशांति है वो शांति जड़प से आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी लोग इनसे ज़्यादा में ज़्यादा जुड़े, ऐसे निवेदन करता हूँ। और अब मैं एक मेरे अहिंसा की बात करूँगा। ये सारा विषय मैं काम करता था तो मुझे लगा मानव सेवा भी करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए, लेकिन बाद में ये मुख्य सेवा और पर्यावरण का काम मेरे हाथ में आया। 30 साल से मैं कर रहा हूँ कच्छ के अंदर, अहिंसा धाम के अंदर 600 एकड़ में उसका डेवलपमेंट किया है, पशु पक्षी और पर्यावरण को कैसा बचाया जाता है ऐसा एक मॉडल बनाया है, म्यूजियम प्रदर्शनी बनाई है, हमारे यहाँ एक बैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, और ऐसी सारी इस विषय पे काम करते हैं। और बहुत सारी स्कूलें के बच्चे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में से आते हैं और उसको प्रशिक्षण मिले कि पर्यावरण को कैसा बचाया जाए,
पशु पक्षी को कैसा बचाया जाए उस पर काम करता है। एक ही जगह पे आपको 400-500 एकड़ में रोड, रास्ता और मॉडल देखने को मिलेगा। जो भाई आना चाहते हैं, वृक्ष के ऊपर काम करना है, खेती बाड़ी पे काम करना है, गोबर पे काम करना है, तो सारी एक जगह पे उसका मॉडल बनाया है। तो आप सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी हम कोरोना के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। हमारे राजीव दीक्षित मेरे साथ 25 साल पहले मेरे को बोलते थे कि महेंद्र भाई, एक समय ऐसा आएगा कि आदमी ऑक्सीजन बूथ में जाएगा और रास्ते में चलेगा। और हमने वो कोरोना में वो समय देखा, 25 साल पहले राजीव भैया बोलते थे, आज हमने वो समय देखा कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है। और ये सब इसके लिए वृक्ष और पेड़ कैसे लगाने चाहिए वो भी देखना है। तो हमारे यहाँ 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं, अभी एक पेड़ नहीं था, वहाँ 5 लाख पेड़ लगा रहे हैं। और 50-60 हज़ार पेड़ तो बड़े हो गए, और पेड़ लगाया तो पक्षी आने लगा, तो पक्षी के ऊपर काम चालू है। बहुत बड़ा लेक बनाया है, सारी बात एक ही जगह पे बनाया है। जैसा कृष्ण भगवान 5000 साल पहले गाय कैसी चढ़ती थी, वैसी गाय 100 एकड़ के अंदर घास है तो 365 डे उसमें खाके वापस आ सकती है, ऐसा वातावरण बनाया है। तो आप सभी लोगों इस विषय पे भी ध्यान देना। हम लोग सब प्रगति कर रहे हैं, देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन रास्ते पे हमारी नंदी बैल, जो शिव का नंदी बैल कहा जाता है, कृष्ण की गाय कहा जाती है, महावीर का चिन्ह भी, ऋषभ देव का चिन्ह भी ऋषभ बढ़त था। तो हम सारे लोग ऐसे अबोल जीव जंतु है, सब उसको बचाना चाहिए। और वो रास्ते पे कचरा न खाए, ऐसे पूरे साधक लोगों को मैं बोलूँगा, साधना करो आप। जो 4 बजे उठ के सारे लोग दीदी लोग साधना करते हैं, वो साधना के अंदर ऐसा कुछ शक्ति पैदा करो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे रास्ते पे ऐसी गाय माता गौवंश ऐसा न रखे, और उसका हमेशा के लिए कोई निदान और कार्य होए। तो सबको मैं एक ये साधना करने का कहता हूँ। और आज मेरे कुछ छोटे आदमी को एक इतने बड़े सेंटर के अंदर, इतने बड़े स्टेज के ऊपर, इतने बड़े साधक ब्रह्मचारी आत्माओं के सामने मुझे इनका दर्शन करने का अवसर मिला, मुझे 2 शब्द उनके सामने रखने का अवसर मिला। मैं अरे दिल से मेरे को एक मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, जब टीवी देखता हूँ 5-10 मिनट टीवी देखता हूँ, चालू करता हूँ तो सब ऐसी बात आती है कि इधर ये हत्या हो गई, इधर ये हो गया, इसको ये काट दिया, इसको ये मार दिया। तो मुझे मैं सब बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, जब बोलता हूँ कि देश का क्या होगा, भविष्य क्या है, जब कोई ऐसा चिंता रहती है, पर आप लोगों को सबको जब देखता हूँ और विश्व शांति की तरफ आपका संदेश जब जाता है, तो ऐसा कभी कुछ एक आशा का किरण भी होता है कि आने वाले दिनों में शांति अवश्य होगी, विश्व शांति अवश्य होगी। ओम शांति 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 शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आदरणीय भ्राता राहुल जे नाम जोशी CEO MyFM दिल्ली से हमारे बीच पधार रहे हैं। नमस्कार। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति में ब्रह्मा बसते हैं, ईश्वर बसते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल रिसेंट पास से देना चाहता हूँ। मैं मीडिया स्पेस में काम करता हूँ, रेडियो इंडस्ट्री में। हमारे एक शहर में एक दिन शाम को लाइव शो में एक लिस्टनर का फ़ोन आया कि एक बहुत बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई है और करीबन 1 किलोमीटर से लंबा ट्रैफिक जाम है, तो एम्बुलेंस हिल नहीं पा रही। हमारे आरजे ने लाइव शो में गाना रोक के इमिजिएटली अनाउंसमेंट किया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, उस एरिया में जो भी लोग हैं कृपया वहाँ पे जगह बनाएं। और अब अचंभित होंगे कि कुछ ही मिनटों में सब गाड़ियों ने अपनी गाड़ियों को साइड किया, लोगों ने नीचे उतर के ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया और वो एम्बुलेंस तुरंत ही कुछ ही मिनटों में अपने गंतव्य पर पहुँच पाई और हमने उसका फॉलोअप भी लिया और वो जो पेशेंट थे भगवान की दया से वो बचा भी लिया गया। तो दिस इज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि हर इंसान में ईश्वर बसता है, ब्रह्मा बसते हैं, मौका मिलने की ज़रूरत है और वो सभी डिमॉन्स्ट्रेट डेफिनेटली करते हैं। एक दूसरा वैल्यू बेस्ड सिस्टम की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 4 चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं, डिसएग्री, डिस्कस, फियरलेस एंड फेल्योर। ये 4 चीज़ों को हम लोग बड़े सटल ढंग से सिस्टम में इनबिल्ट कर दिया गया। और मैं ये मानता हूँ कि ये 4 सिस्टम को, ये 4 प्रोसेस को लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, कहीं भी इम्प्लीमेंट करें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। हम इनकरेज करते हैं टू डिसएग्री ऑन द आइडिया, क्योंकि
यदि आपके आइडिया में दम हो और आपको कॉन्फिडेंस है या आपको चैलेंज करना है तो वी इनकरेज टू एनी लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की, लेट्स डिसएग्री एंड डिस्करेज द रॉन्ग थिंग्स एंड लेट्स डिबेट, दिस इज द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, वॉट वी स्ट्रांगली प्रमोट इज फेयरलेसनेस. डोंट बॉदर कि आपका डेजिग्नेशन क्या है या क्या होगा आउटकम, आप फेयरलेसली अपने आइडिया को प्रमोट करो, जो आपका वक्त आपके मन में आ रहा है उसको प्रस्तुत कीजिए सबके सामने, एंड लेट्स हैव द ओपन डिस्कशन. और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ हम मानते हैं, फेल्योर. फेल्योर को हम यहाँ कहते हैं लेट्स हैव द स्पेस फॉर द फेल्योर. यदि आप कुछ नया करने जाएंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती और कुछ फेल्योर भी होंगे, और हम उस फेल्योर से लर्निंग निकाल के वो फेल्योर रिपीट ना हो ये इंश्योर करते हैं. तो ये चार चीज़ें मैं बट स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि हमको सभी आस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. चौथा, कई विद्या कई ज्ञानीजन कह रहे हैं कि अगला दशक नहीं अगला शतक भारत का है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अगला दशक नहीं शतक डेफिनेटली भारत का है. जय हिंद, धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हमारे समक्ष पधार रहे हैं रेनाउंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर भ्राता सुब्रो कमल दत्ता जी, अपनी शुभकामनाएं अपने इंस्पिरेशन आज के विषय पर हमारे समक्ष रख रहे हैं. ओम शांति. आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जी, अदर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन द डाइस, मेरे सारे बहन और भाई ब्रह्म कुमारीज के, सौभाग्य मुझे मिला था 2010 में ब्रह्म कुमारी मानेश्वर यूनिट पे दादी जानकी के आशीर्वाद मिला था मुझे और संबोधित करने का मौका मिला था. 2010 से ही लगातार सोच रहा था कि इस भव्य मंदिर में आऊं और इस भव्य मंदिर में आके अनुभव करूं ज्ञान का, समृद्धि का. पर लगभग एक दशक चला गया, आज 2021 में यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है. एक कहावत है ना, जब कुदरत चाहता है तभी चीज़ें होता है, उसके इजाजत के बिना ना कुछ चलता है ना कुछ चल सकता है. आई हैव कम टू एन इंस्टीट्यूशन विच सिंबलाइजेस eternal knowledge, eternal wealth and eternal power. और क्योंकि मैं विद्या के केंद्र पे आया हूँ तो इसलिए आप सब के लिए और हम सब के लिए समर्पित है माँ सरस्वती की एक श्लोक, सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाखी विद्याधारी नमोस्तुते. मैं यहाँ आया, आने के बाद मुझे दो चीजों की प्राप्ति हुई और महसूस हुई. एक है कि सारे जितने सारे डिवाइन भ्राता हैं यहाँ पे, उनके अंदर मुझे बाबा का ज्ञान और शिव तत्व महसूस हुआ, और सारे बहनों के अंदर और सारी माताओं के अंदर साक्षात माँ अन्नपूर्णा की झलक मुझे दिखाई दी. आप सब इस महान केंद्र को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हजारों भुजाओं के माध्यम से जिस हिसाब से आप सेवा करते हो, तो देवी माँ की एक स्तुति तो बनती है आप सबके लिए. सहस्य भुजा हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. माय डियर फ्रेंड्स, पहले जमाने में दानविक शक्तियों के साथ आपके राज तमाम जितने सारे तामसिक शक्ति है उन सब का टकरार होता था और कहीं ना कहीं पे संघार होता था तामसिक शक्तियों का. आज के डेट में इस आधुनिक घोर कलयुग में वो तामसिक शक्ति के बारे में अगर हम लोग वर्णन करें, देन आई वुड से इट इज लश्कर-ए-तोयबा हरकतुल अंसर आईएसआईएस
एंड ऑल अदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके लिए एक और देवी पुराण की, चंडी पुराण की एक और श्लोक है, सहस्य शस्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जिस प्रांगण में मैं आया हूं, आप सब तो शांति के दूत है, यू ऑल आर द डव ऑफ पीस, यू ऑल आर द डव ऑफ लव एंड ट्रैंक्विलिटी। ये देश हमेशा से विश्व जननी रहा है और हमेशा से विश्व जननी रहेगा। हमें ऊर्जा लानी है, ऊर्जा उस चीज की लानी है, करुणा की अग्नि को प्रकाशित करना है, उसके साथ साथ विद्या की अग्नि को प्रकाशित करना है, समर्पण की अग्नि को प्रकाशित करना है, अपने आत्माओं के अंदर से और पूरे जगत को देना है। और ये संस्था उस दिशा में गति और दिशा दिखाती है। गर्वित हूं क्योंकि आप सब ने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का और अपने बात रखने का। आई रिमेम्बर अ वेरी फेमस कपलेट ऑफ अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, अ जर्मन हिस्टोरियन, ही हैड रिटन अ वंडर दैट वॉज इंडिया। आई वुड से इंडिया वॉज ऑलवेज अ वंडर, इंडिया इज ऑलवेज अ वंडर एंड इंडिया विल ऑलवेज रिमेन अ वंडर। ये देश तो विश्व जननी थी, विश्व जननी है और विश्व जननी रहेगा, क्योंकि इस देश ने हमेशा हमेशा सांस्कृति की ऊर्जा दी है। इस देश ने वसुधैव कुटुंबकम पूरे दुनिया में फैलाया है और इसीलिए इंडोनेशिया की नेशनल बुक अगर है तो वो रामायण है, कंबोडिया की नेशनल बुक अगर है तो वो रामायण है, लाओस की नेशनल बुक अगर है तो वो रामायण है। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, पर जब वो ग्रीट करते हैं तो वो संस्कृत श्लोक से ग्रीट करते हैं, ये कहते हुए ओम सस्ते नस्तु। ये जो चीज है, इस चीज को हमें फैलाना है पूरे दुनिया में, इस चीज को आगे जाके प्रकाशित करना है। आई एंड माय स्पीच, क्योंकि समय की कमी है, आई एंड विद अ वेरी फेमस कपलेट अगेन फ्रॉम दैट फेमस बुक अ वंडर दैट वाज इंडिया। East bowed before the blast, in patient thought disdain, she let the legions thunder past, bowed in deep thoughts again. East यहाँ पे माँ भारती है, भारत माता है। Bowed before the blast, तमाम आक्रांताओं के सामने, bowed before the blast, कहा कि आप आक्रमण तो कीजिए पर मैं आपको रिटर्न में, आशीर्वाद में फिलॉसफी दूंगा, ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान का भंडार दूंगा जिससे आप वंचित है और इसीलिए आपने आक्रमण किया है हमारे देश में। बाउट बिफोर द ब्लास्ट इन पेशेंट थॉट डिसडेन, शी लेट द लीजंस थंडर पास्ट, बाउड इन डीप थॉट्स अगेन। और इस देश की खूबी देखिए, तमाम जितने सारे आक्रांता आए थे वो सब इस देश के तक्षशिला, विक्रमशिला और तमाम जितने सारे एंशियंट सिविलाइजेशनल यूनिवर्सिटीज थे उन सब के सामने नतमस्तक होके और कहे, और एक तरह से प्रार्थना किए है कि आप तो कहीं ना कहीं पे ज्ञान के भंडार हो ये देश। ये देश ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, हम आक्रांता थे, ना समझ थे इसलिए आक्रमण किए, आप इस पाप को धोने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश भी दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः। और आप सब माताओं के लिए है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपे नमस्तिता, नमस्तस्वै 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 नमो नमः। वंदे मातरम, जय भारती। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम चरण की ओर पहुंच रहे हैं। हमारे बीच फाउंडर के ग्रुप हैदराबाद के माननीय भ्राता किशोर सेतुरामन जी हैं। अनुरोध करती हूँ अपनी इंस्पिरेशन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। माय
salutations to the brothers and sisters gathered here, and with great reverence I sincerely thank for my allow me to speak briefly on this occasion. I will take off from where Sister Asha Ben left. I was highly immersed in what she said. I am a businessman, and therefore I want to restrict myself on thoughts that should shape, that should be, what are those qualities to ensure value-based governance. Because businessmen are considered wealthy, businessmen are considered wealth creators. And in my view, businessmen, the wealthy, are more under scrutiny than those in power. So therefore, what should guide leaders like us? Before we step in, I divide my life into two time zones, 7 a.m. to 7 p.m. and 7 p.m. to 7 a.m. In the period 7 a.m. to 7 p.m., each of us is using our intelligence, our competence, our capability. 7 p.m. to 7 a.m., we are scrutinized for our character. That life is made up of just these two split zones. So therefore, the wealth creator, on a philosophical note, wealth generation is based on positive energy. Wealth usage actually results in negative energy. Wealth generation is based on capability, while wealth usage is actually a reflection of your character. So therefore, any wealthy businessman, any wealthy person is not judged by what he earns or what he saves, but actually he is judged by what he spends, both his time and money. I want to just drive home the point that character is actually the fundamental feature of governance, not money. To give you an example, Tata Trust showcases the character of the Tata Group, while Tata Sons actually talks about or reflects the capability of the Tata Group. That's how the value system of the group percolates. The entire earning and wealth creation cycle in the Tata Group is meant for ensuring that it is spent for charity. So you earn to spend on charity. That's the reflection. What is very important also to know is that Tata Trust sits on top of Tata Sons. What does it mean? That it means that character dominates capability. Character is given more importance than capability. So therefore, character dominate capability. Is character the true test for governance? Does character actually enhance value of capability, or is capability driving character? To answer each of these, actually, the answer is very simple. It's an emphatic yes in favor of character. Competence brings economic well-being. Character brings mental well-being. Competitive strategy leads to performance, whereas contributing strategy leads to progress. In my view, character is a very long-term phenomenon, while capability is a quality for it that period of time. So I must tell you, as a finance person, I'm a chartered accountant by qualification. As a finance person, I must tell you that when actually an investor values a company, what is called as market capitalization, it's a multiple, it's a price multiple based on character and capability, and a company that has those value systems stronger in favor of character has a higher valuation in the marketplace. Such leadership qualities can be learned, nurtured, and practiced only in informal organizations like the Brahma Kumaris.
The principles one can learn in this platform of the Brahma Kumaris actually adds to the right principles of governance. People like me, therefore, are immensely benefited. I am looking forward to association of such institutions. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब भ्राता मृत्युंजय भाई से अनुरोध कर रही हूँ हमारे मंचासीन अतिथियों का, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी का मोमेंटो देकर के अभिवादन करें. आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का अभिवादन कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रोफेसर सुनैना सिंह, वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी का भी मोमेंटो देकर के सम्मान किया जाए. सर्वकमल दत्ता जी का भी मोमेंटो दे करके मृत्युंजय भाई सम्मान कर रहे हैं. डॉक्टर अतुल भाई वाजपेयी कृपया समक्ष आए. भ्राता किरीट बंसाले जी का भी सम्मान भ्राता मृत्युंजय भाई कर रहे हैं. भ्राता महेंद्र संगोई आपका सम्मान भी मृत्युंजय भाई कर रहे हैं. भ्राता सुधीर मिश्रा, भ्राता किशोर सेतुरामन जी का भी सम्मान मृत्युंजय भाई कर रहे हैं. इसके साथ ही कुछ और नाम अनाउंस कर रही हूँ जो मेरे सन्मुख बैठे हुए हैं. कृपया आप भी मंच पर आएंगे और अपना सम्मान स्वीकार कीजिए. भ्राता अजय शर्मा, एमडी संध्या ज्योति दर्पण जयपुर. भ्राता कुलदीप शर्मा, डायरेक्टर रेडियो राजस्थान 90.8 FM सीकर. भ्राता जतिन मिश्रा, सीनियर प्रोड्यूसर फीवर 104 FM मुंबई. भ्राता हमजा खान, सीनियर स्टेट कॉरेस्पोंडेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस जयपुर. भ्राता दर्पण शर्मा, डायरेक्टर नेशनल प्रोग्रामिंग हेड FM तड़का राजस्थान. भ्राता दिनेश दीक्षित, डेप्यूटी चीफ एडिटर दैनिक जागरण कानपुर. भ्राता अमित भट्ट, एडिटर इनपुट न्यूज 18 राजस्थान. भ्राता सिंधी जोहरी, सीनियर एडिटर न्यूज फ्लैश टीवी राजस्थान. और इसके साथ ही बहन लीना से अनुरोध करती हूँ कि आभार का भार आप वहन कीजिए. बहन लीना बहन, ओम शांति. मंचासीन महानुभवों और देश विदेश के कोने कोने से पधारे हुए अतिथिगण, आज मुझे ये मौका मिला है आप सभी का धन्यवाद करने का, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मूल्यों के स्रोत परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, जिनके सुप्रेरणाओं से ये ग्लोबल समिट का
आयोजन किया गया और वो आज सफल होने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऑनरेबल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आप एक ओजस्वी वक्ता हैं और आपका ओजस्वी वक्तव्य से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बिजी शेड्यूल में आप यहाँ पधारे, हम तहे दिल से यहाँ आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारा एडिशनल सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमारी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, जिनसे आज हम ये वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ उनसे संकल्पनाएं लिए और उसको साकार करने का हम सभी ने संकल्प लिया है। धन्यवाद करना चाहूंगी ऑनरेबल मिस्टर धर्मवीर सिंह जी, ऑनरेबल लोकसभा महेंद्रगढ़ जी के हैं और उसके साथ साथ ऑनरेबल मिस्टर सुजीत कुमार एमपी राज्यसभा, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी दीदी आशा दीदी जी का, ओआरसी के डायरेक्टर हैं। आप हमें परमात्मा के गहन अनुभूति के, शांति के अनुभूति कराए, सेल्फ रियलाइजेशन कराया, दीदी जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर सुनैना सिंह भाई चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रताप मिधा जी भाई साहब, आपका भी, और डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी रिनोट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे जो पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह छुंटी जी, प्रेसिडेंट शहीद भगवत सिंह सेवादल, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। उसके साथ साथ महेंद्र मिस्टर महेंद्र संगवी जी, मिस्टर सुधीर मिश्रा जी, मिस्टर राहुल जे नाम जोशी जी, आप सभी का तहे दिल से यहाँ धन्यवाद है। आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे, हम सभी को बहुत लाभान्वित हुए कराएं। और उसके साथ साथ डॉक्टर सुरोगमल दत्ता जी, मिस्टर किशोर सेतुराम जी, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ जो मीडिया पर्सन्स हैं जिनका फेलिसिटेशन हुआ, आप सभी का, मिस्टर अजय शर्मा जी, मिस्टर कुलदीप शर्मा जी, मिस्टर जतीन मिश्रा, मिस्टर हमजा खान, मिस्टर दर्पण शर्मा, मिस्टर दिनेश दीक्षित, मिस्टर अमित भट्ट एंड मिसेस सिद्धि जोहरी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। उसके साथ साथ मन संचालन करने वाली दीदी हमारी शारदा दीदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ हमारे स्वागत संघ जो प्रस्ताव किए मधुरबानी ग्रुप, और उसके साथ साथ मिजो डांस यग डांस नेपाल से आए हैं, इतने दूर से आकर के हमें सभी को बहुत लाभान्वित कराए, और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। उसके साथ साथ विष्णु वंदना एंड कृष्ण वंदना, हम सभी ने कोल्हापुर ग्रुप से लाभान्वित हुए, आप बहुत दूर से आकर के बहुत सेवा दे रहे हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ साथ देश विदेश से पधारे हुए जो मेहमान हैं, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके पीछे जिन ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने अथक प्रयास किए हैं आप सभी को यहाँ पहुँचाने में, आप सभी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अथक होकर के दिन रात लगे हुए हैं, हमारे साउंड डिपार्टमेंट, हमारे वीडियो डिपार्टमेंट, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, हमारे डाइनिंग किचन सब लगे हुए हैं सेवाधारी, तो उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। भार का आभार वहन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और अंत में हम पुनः एक मिनट ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। ओम शांति।
सबके माला एक बनानी है, एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है, एकता लानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है, गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।